अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा लाइव विद किड्स। तो मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है गैंगटॉक से। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है गैंगटॉक से। यहाँ पे जो है रात के 9 बज रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन जब हम लोग आए थे तो मौसम बहुत ही गर्म था, धूप थी चिलचिलाती हुई, लेकिन हमारे आते ही माशाल्लाह बारिश इतनी तेज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तूफ़ान है हवा के साथ। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो है बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बारिश देख रहे हैं, तो उन्हें जो है ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोल रहे हैं कि मम्मा ये हमारा नया घर है क्या, ये हमारा हाउस है क्या। तो बच्चे जो है फुल मस्ती के मूड में है, लेकिन मैं जो है जल्दी सुला लूँगी और हम लोग भी जल्दी सोएंगे, क्योंकि हम लोग पूरे दिन की जो है वो जर्नी थी। तो हम सब जो है अब सो जाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि सुबह की ये गैंगटॉक की फर्स्ट जो है मॉर्निंग है, गैंगटॉक की पहली सुबह। तो यहाँ पे हम लोग जो है नींद पूरी करके उठ चुके हैं, तो फ्रेश फीलिंग आ रही है। तो सुबह के जो है 8 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कॉफ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी का सामान रखा था, तो हम लोग ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं। और यहाँ पे ये फ़्लाइट में साथ को मिला था, तो साथ ने नहीं खाया था, तो ये काम आ गया। तो मैं जो है ये बटर और ये ब्रेड लगा के हम लोग ब्लैक कॉफ़ी जो है इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर देखिए रात में इतनी तेज़ की बारिश हुई थी, और सुबह का व्यू है, ये हल्की हल्की धूप है और ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया था। सितंबर में अगर आप गैंगटॉक आते हैं तो आपको जो है ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना ज़्यादा ठंडी, नॉर्मल। लेकिन अभी बारिश की वजह से जो है थोड़ी ठंड आ गई है। शाम में और सुबह में हम ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं और विंटर के कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, शाम में और रात में और सुबह में। यहाँ पे जो है हमारा जो रिसेप्शन से हमें कॉल आ गई थी कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है, तो सुबह के 9 बज रहे हैं, तो अब हम ये जो है सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तो देखते हैं कि होटल की तरफ से क्या है, ब्रेकफास्ट कैसा है। तो ये भी हमारा जो है फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। ये जो है हमारी बुकिंग थी, जब मेरे हस्बैंड बुकिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट की भी बुकिंग कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा इन्होंने सब लगाया हुआ है, बुफे सिस्टम है सब। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या है। तो ये वो पूरा एरिया है जहाँ सब बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब जिन्होंने बुकिंग की हुई थी ब्रेकफास्ट की, सिर्फ वही लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोस्ट है, उसके साथ बटर और जैम है। और नाश्ते में है वेजिटेबल कटलेट है, जो कि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही क्रिस्पी था। और ये पोहा है, वेजिटेबल पोहा। नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो है पूरी है, पूरी के साथ आलू मटर की सब्ज़ी है, छोले नहीं है, आलू और मटर की सब्ज़ी है। उसके बाद जो है मैं ये जो है प्लेट अपने लिए ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो सुबह सुबह ये सब नहीं खाते, तो ये मैं सारा नाश्ता थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो है चाय भी है और कॉफ़ी भी है और दूध भी है, तो मैं तो चाय लूँगी। और चाय दिखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही थी, और चाय थी भी बहुत अच्छी। ये गैंगटॉक आके ये पहली जो है होटल की चाय अच्छी मिली, वरना अभी हमें चाय अच्छी नहीं मिल रही थी। तो ये जो है मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं अपना ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने जो है वो टोस्ट लिया है, तो दो टोस्ट और ये ऊपर से बटर, ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट था। उसके बाद हम ऊपर रूम में आ जाते हैं और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो मैं जो है साथ का नाश्ता लेकर ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ समझ के लिए मैंने हॉट मिल्क लिया है। फिर हो जाती है शाम और हम शाम में निकल पड़ते हैं माल रोड, एमजी रोड जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे माल रोड है, लेकिन ये जो गैंगटॉक का माल रोड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और डिफरेंट भी है, सबसे अलग है, मतलब अच्छा है, सब में अच्छा है ये एमजी रोड। तो
ये लोकल मार्केट है वहाँ की, और ये वहाँ की डेकोरेशन है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है इसे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो और बारिश की वजह से जो है मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गई थी, तो यहाँ पे जो है सब लोग बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल सब लोग सुकून से बैठे हैं, लेकिन हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं क्योंकि हमें देखनी भी है मार्केट। तो ये स्ट्रीट मार्केट है, तो हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या है, कैसा है। ये जो है विंटर के सामान है, जैकेट है बच्चों की, और ये स्कार्फ है, ये स्टॉल है, और सबकी प्राइस भी ठीक है, लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे थोड़ी प्राइस जो है नॉर्मल से हट के रहेगी। और लेकिन जो थोड़ी बहुत जो मार्केट है वो अच्छी है। तो यहाँ पे जो है फाउंटेन भी है, तो बच्चे लोग को यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो हम लोगों ने उन्हें यहीं पे छोड़ दिया और थोड़ा साइड का भी व्यू लेने लगे। ये देखिए माल रोड जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा था वो, और मौसम भी अच्छा हो गया था इसलिए सब कुछ एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो हमें घूमने में और थोड़ा सब कुछ लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अभी हम और जाते हैं। और यहाँ भी G20 जो है हमें यहाँ भी देखने को मिला। ये देखिए सारी कंट्री के फ्लैग हैं, हमारे इंडिया का भी फ्लैग है, और यहाँ लोग फ़ोटो ले रहे हैं। G20 का हर जगह है, हर जगह, मतलब इतना फेमस हो गया दिल्ली, इतना फेमस हो गया। यहाँ पे देखिए ये कितनी अच्छी ये डेकोरेशन है, फ्लावर्स की है, और ये गैंगटॉक। तो यहाँ पे हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कि हम यहाँ पे फ़ोटो वोटो ले सके, तो मैंने सबको हटाकर ये थोड़ी सी वीडियो बना ली है। बच्चे जो है बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, साथ को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। उसको कुछ इसलिए और भी आ रहा है क्योंकि अभी उसके स्कूल की भी छुट्टी है और जाना नहीं पड़ रहा है स्कूल, इसलिए और भी उसे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ये देख के तो मैं डर ही गई, मुझे लगा कि रियल है, पर जब पास गई तो देखी कि ये देखिए बीट्स का ये पर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट काफ़ी जो है एक्सपेंसिव था ये। 700 से स्टार्टिंग थी इसकी, ये 400 का है, और इससे भी जो बड़े हैं वो 1000 में आते थे। ये सारे की चेन्स हैं और पॉपेट बैग्स हैं, मिरर हैं, और यहाँ का मैग्नेट है, सिक्किम, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, ये सारे ये स्टेट है, तो ये सारे जो है मैग्नेट हैं, की चेन हैं, और ये ब्रेसलेट है। यहाँ पे यहाँ सारी विंटर की चीज़ें हैं बच्चों से लेके बड़े तक। ये देखिए जगह जगह पे ये इतना G20 का, इतना हर जगह G20 G20, मतलब गैंगटॉक में भी गए, दिल्ली से देख कर आए, गैंगटॉक में भी गए, वहाँ पे भी यही था, हर जगह इसी का ऐड हो रहा है। यहाँ पे जो है वही बीट्स वाले पर्स हर जगह, हर शॉप पे, पूरे MG रोड पे जो है यही बीट्स वाले पर्स, आपको यही बैग मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अल्फ़ा होटल में खाना खाया, बहुत ढूंढने पे हमें यहाँ पे नॉनवेज जो है रेस्टोरेंट मिला, क्योंकि यहाँ पे हर जगह प्योर वेज, और मेरे बच्चे जो है वो वेज खाते नहीं, तो चिकन ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से एक जगह मिला, बट नॉट गुड, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। बट भूख इतनी लगी थी कि हमने जो है फ्राइड राइस खाया और फ्राइड चिकन खाया, बट ठीक ठाक था, अच्छा नहीं था। यहाँ पे देखे ये महात्मा गांधी की यहाँ पे स्टैचू बना है। उसके बाद जो है हम आ गए अपने होटल वापस, तो ये नाइट व्यू है मेरे होटल का, मतलब हमारे होटल का जहाँ हम स्टे किए हैं, तो ये बाहर से इसका ये फ्रंट लुक है, ये नाइट व्यू है, बहुत अच्छा होटल है। आप जब भी आए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें एक बार। फिर हम आ रहे हैं बंदर, क्योंकि बारिश जो है वो फिर से स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए हम जल्दी घर वापस आ गए। और ये होटल का जो है वो अंदर का है,
जहाँ पे वेटिंग रूम है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।